नमस्कार, आप सभी का VC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन सीरीज में 5th नंबर पर हैं, तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सजेस्ट बुक्स फॉर ऑल? ये वाला लाइब्रेरी साइंस का सजेस्ट बुक्स फॉर ऑल किससे रिलेटेड है? थर्ड लॉ, फिफ्थ लॉ, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, बताइए। ये क्वेश्चंस रिलेटेड है आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ओके। और ये वाला क्वेश्चन आपका संबंधित है सेकंड लॉ से। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस सभी को पता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा 1931 में। पहला है आपका, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल लॉज हैं लाइब्रेरी साइंस के और बुक्स फॉर ऑल। देन रिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ, है ना, सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, एवरी रीडर हिज हर बुक। सेकेंड बुक, सेकेंड जो आपका ये लॉ है वो आपका संबंधित है बुक्स फॉर ऑल, बुक्स आर फॉर यूज ऑफ ऑल, बुक्स आर फॉर यूज ऑफ ऑल, या बुक्स फॉर ऑल, किताबें सभी के लिए, सेकंड लॉ है। इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये फिक्स करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी obligations of the library staff and obligations of the readers, ठीक है। तो second law related to ये obligations इससे संबंधित हैं। क्या implications होते हैं इसमें ये मैं बता चुकी हूँ, obligations of the state, इसमें every reader his her books या books for all, ठीक है। और इसका तो फिर हम, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट इज द रेफरेंस टूल्स पब्लिश्ड बाय, ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट किसके द्वारा पब्लिश्ड है ये बताइए। आंसर्स आने चाहिए आपके। बताइए किसके द्वारा है ये। तो इसमें आंसर है आपका जे विटेकर एंड सन्स, ठीक है। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट ये इसके ऑथर हैं जे विटेकर एंड सन्स, आर बाउकर, और ये इनका प्लेस है न्यूयॉर्क। ईयर है 1965, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करते चलिए। और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो एज ए मोटिवेशन आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के लिए। इसमें लाइक्स बहुत कम होते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रॉब्लम है वो शेयर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर, ये हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑथर क्या है,
डॉक्टर एस आर रंगनाथन और पब्लिश्ड है 1931 में पब्लिश्ड हुए हैं फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट UAP यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। बताइए किसके द्वारा मेंटेन होता है UAP? सबसे पहले हम आंसर की बात कर लेते हैं। UAP इफ्ला, इफ्ला सभी को इसका फुल फॉर्म पता है इफ्ला का। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हेडक्वार्टर हैग, नीदरलैंड्स, फाउंडेड ईयर 1927, एडिनबर्ग यूनाइटेड किंगडम, प्रेसिडेंट बारबरा लिसन, ठीक है। फिर है आपका FID, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। दैट वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट किया गया है यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल रिकॉर्डेड नॉलेज, जो भी रिकॉर्डेड नॉलेज है यूनिवर्स में उसको एक्सेस करना सभी के लिए, किसके द्वारा, थ्रू द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका इस्टेब्लिशमेंट 12 सितंबर 1895 कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। उस समय क्या था इसका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, किनके द्वारा है, बेल्जियम लॉयर है पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन, ओके। इसका जो नाम है वो चेंज हुए हैं ईयर वाइज। 1931 में FI का नाम था, FID का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, 1937 द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, एंड 1988 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ओके। बात करते हैं एस्लिम, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ब्रिटिश एसोसिएशन है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पेशल
लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ठीक है, फाउंडेड इन इंग्लैंड, ईयर है 1924। आज की डेट में इसका जो नाम है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ ये 2010 में, और डिवीज़न बना एमरल्ड ग्रुप पब्लिकेशन, कब था ये, 2015। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ अपना, यूएपी इफ्ला, इफ्ला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन, बताइए लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स हैं, आपकी लाइब्रेरी के वर्किंग आवर्स हैं, वो सीधे किसको इम्पैक्ट करते हैं, कौन से लॉ को करते हैं, फोर्थ लॉ, सेकंड लॉ, फिफ्थ लॉ या फर्स्ट लॉ। लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स की लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यदि ओपन होती है तो फर्स्ट लॉ को करेगी, फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स विच फैसिलिटेट्स द रीक्लासिफिकेशन एंड रीकैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन ए लाइब्रेरी, किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्रिंसिपल ऑफ असर्टेनेबिलिटी, लॉ ऑफ पार्सिमनी या लॉ ऑफ परमानेंस, बताइए। रीक्लासिफिकेशन और रीकैटलॉगिंग ये आपका संबंधित है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस से। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अपन इसके बारे में। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक बेसिस फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये यूजफुल है क्लासिफायर के लिए और क्लासिफिकेशंस के लिए, ठीक है। क्लासिफायर और क्लासिफिकेशनिस्ट दोनों के लिए ही ये यूजफुल है। तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स कितने लेवल है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के, 4 लेवल। पहला है आपका बेसिक लॉज, ये है आपका प्रिंसिपल दैट, ये बेसिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, इससे संबंधित है बेसिक प्रोसेस इन ऑफ थिंकिंग। फिर है आपका फंडामेंटल लॉज, ठीक है, ये आपका है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, है ना, 5 लॉज हैं ये आपके। फिर है आपका, और थर्ड लॉ कौन सा है कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बुक्स आर फॉर यूज़,
एवरी रीडर हिज हर बुक्स। हाँ बताइए बताइए। एवरी बुक इट्स रीडर सेव द टाइम ऑफ द रीडर द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ओके फिर है आपका कैनन्स, ये रिलेटेड है मेन डिवीजन और मेन ब्रांच ऑफ ए डिसिप्लिन सच एज क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। फिर आपका आता है प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट्स, प्रिंसिपल्स रिलेटेड हैं आपके सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ वर्क विथ ए ब्रांच। बेसिक लॉ कौन कौन से होते हैं, बेसिक लॉ, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इम्पार्शलिटी, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन एंड लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, फंडामेंटल लॉज अपन बात कर चुके हैं। फिर कैनन्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपके प्रिंसिपल्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका संबंध है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस से। द ऑथर ऑफ द बुक फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बताइए फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ऑथर हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन, खुदाबख्श, ओरिएंटल लाइब्रेरी इज लोकेटेड, कहाँ पे है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, नागपुर, दिल्ली, पटना या कोलकाता। ये है आपका खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, सी इज राइट आंसर। पटना इज राइट आंसर। ये इसका एस्टैब्लिशमेंट है ओपन टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए ओपन हुआ है ये 29 अक्टूबर 1891। ओके डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर श्रेयस्ता वेदार। ठीक है, नेक्स्ट द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ए एल ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फर्स्ट सेक्रेटरी मेलविन डीवी। ईयर है इसका, हेडक्वार्टर है शिकागो में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रेस डी हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच मंथ, कौन सा महीना है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ वीक इंडिया सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी वीक भारत में सेलिब्रेट किया जाता है कौन से मंथ में, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर या दिसंबर, बताइए आंसर। नवंबर इज राइट आंसर। 14 नवंबर से 20 नवंबर। नेक्स्ट, whom did the Maharaja Sayaji Rao Gayakwad invite to set up the public library system in Baroda? Baroda में public library system को set up करने के लिए
महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा किसे बुलाया गया था, किसे इनवाइट किया गया था? चार्ल्स विलियम, वॉरेन हेस्टिंग्स, डब्ल्यू ए बॉर्डन या विलियम क्रॉफोर्ड? डब्ल्यू ए बॉर्डन इज राइट आंसर। द कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी बताइए, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? राइट आंसर है आपका चेन्नई, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी है चेन्नई में। इसका ईयर है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी का 5 दिसंबर 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रोल, मुख्य रोल ऑफ ए लाइब्रेरी इज़ टू हेल्प द यूज़र्स, यूज़र्स की सहायता के लिए लाइब्रेरी में मुख्य भूमिका किसके द्वारा अदा की जाती है? एक्सेस टू पीपल, एक्सेस टू कल्चर, एक्सेस टू नॉलेज या एक्सेस टू वर्ल्ड? राइट आंसर है आपका एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज एक्सेस करने के लिए ही यूज़र्स लाइब्रेरी में आते हैं। नेक्स्ट, एस आर रंगनाथन हैज़ रिसीव्ड सेव द टाइम ऑफ द रीडर, बताइए कौन सा लॉ है ये, सेव द टाइम ऑफ द रीडर? सेव द टाइम ऑफ द रीडर इज आपका है फोर्थ लॉ, यूजर्स रीडर्स का समय बचाइए, क्या क्या इम्प्लीकेशंस करके हम रीडर्स का समय बचा सकते हैं, ओपन एक्सेस उन्हें प्रोवाइड किया जाए, लाइब्रेरी का लोकेशन वह भी मैटर करता है इसमें। शेल्फ अरेंजमेंट, शेल्फ अरेंजमेंट में क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग स्टैक रूम गाइड से भी कम से कम समय में यूज़र्स अपनी बुक्स तक पहुंच पाते हैं। इशू रिटर्न, रेफरेंस सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस एंड लाइब्रेरी स्टाफ, ओके, तो इसका आंसर है फोर्थ लॉ। नेक्स्ट, मेडलर्स ऑफर ए फ्री वेव बेस्ड सर्विस, बताइए मेडलर्स के द्वारा फ्री वेव बेस्ड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसे क्या कहते हैं? एग्रिस, इंडेक्स, ईईसी, पबमेड या इनिस, INIS? तो पबमेड इज राइट आंसर। मेडलर्स आपका फुल फॉर्म है मेडिकल लिटरेचर, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1964 में और इसको ऑनलाइन सिस्टम इसका हुआ 1971, तो उसको क्या कहा गया? मेडलाइन, ओके। मेडलर्स पबमेड इसको ऑफर करता है। अब हम बात करते हैं
एग्रिस के बारे में, एग्रिस है आपका इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इनिस है आपका, इनिस है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इनिस ईयर है 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट हिस्ट्री एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरीज इन द एनिशियंट टाइम्स वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द, बताइए। पब्लिक लाइब्रेरी, मॉडर्न लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी या मोनेस्ट्रिक लाइब्रेरी। हिस्ट्री इसके बारे में पूछा, इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरीज एनिशियंट टाइम्स, तो इसका है आंसर मोनेस्ट्रिक लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्टवेयर सिस्टम अलाउ करता है क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन, किस किस के बीच में, रिलेटेड सेक्शन बाय टेक्स्ट एंड अदर ग्राफिक मटेरियल इज कॉल्ड हाइपरलिंक, एक्सपर्ट टेक्स्ट, हाइपर बुक या हाइपर टेक्स्ट। राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट इज राइट आंसर। द ईयर 1876 appear to have made a distinct approach in the progress of library movement. 1876 year किसके लिए बहुत important रहा है, इंडिया, चाइना, यूके या अमेरिका? अमेरिका के लिए 1876 ALA American Library Association, DDC David Decimal Classifications, library movement इन यू एस ए स्टार्टिंग ईयर 1876। द नेम ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA, USA की नेशनल लाइब्रेरी का नाम, ओरिएंटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश म्यूजियम या इम्पीरियल लाइब्रेरी। इम्पीरियल लाइब्रेरी ये तो अपने इंडिया से संबंधित है, बताइए। ये है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसका फाउंडेड ईयर है 24 अप्रैल 1800 और फाउंडर हैं इसके जॉन एडम्स। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। 5 laws पूरे कंप्लीट हो रहे हैं आज आपके, बताइए। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किससे संबंधित है, ये है आपका 5th law। 5 laws ऑफ लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म 5th law से संबंधित है। तो इसमें जो इम्प्लीकेशंस में आएगा आपका, थोड़ा डिटेल में स्टडी कीजिएगा, बैलेंस ग्रोथ, कास्टिंग द ओल्ड और प्रिजर्विंग वैल्यूएबल बुक्स, क्लासिफिकेशन स्कीम को चॉइस करने में, कैटलॉगिंग को चॉइस करने में, मॉडर्नाइजेशन, स्टाफ, लाइब्रेरी बिल्डिंग के बारे में कि फ्यूचर में हम इसको किस तरह से इसका प्रोविज़न रहेगा, सेफ गार्ड्स,
ठीक है, तो ये सभी इम्प्लीकेशंस के पॉइंट हैं फिफ्थ लॉ के। ए सेट ऑफ रूल्स प्रोड्यूस्ड बाय इफला, इफला के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया है टू क्रिएट स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिटेल टू बी यूज्ड इन ए लाइब्रेरी कैटलॉग इज कॉल्ड, बताइए क्या कहा जाता है। बताइए, दीजिए आंसर इसका। ये है आपका ISBD, ISBD। ISBD आपका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस हैं ये, सेट ऑफ रूल्स हैं इफ्ला के द्वारा बनाए गए हैं बिब्लियोग्राफिक बुक्स की बिब्लियोग्राफिक डिटेल के लिए। ISBD स्टार्टिंग ईयर है 1967 में AACR के द्वारा बना किया गया। 1969 में इफ्ला के द्वारा कोपेनहेगन डेनमार्क की जो राजधानी है वहाँ पे एक मीटिंग की गई इन सभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए। तो इस ये जो इफ्ला में जो मीटिंग हुई कोपेनहेगन में उसमें ISBD के बारे में बनाने के बारे में बात रखी गई, एक स्टैंडर्ड है वो बनाया गया, नियम बनाए गए। ठीक है, सबसे पहले 1971 में ISBD को पब्लिश किया गया। 1974 में ISBDM एम एम है आपका मोनोग्राफिक पब्लिकेशन। फिर 1979 में ISBD एम को चेंज करके ISBD G जर्नल्स उसके लिए किया गया। 1974 में ISBDM मोनोग्राफ, ISBDS न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स सीरियल्स के लिए। 77 में कैरेटोग्राफिक मटेरियल ISBD AV, AV है आपका ऑडियो विजुअल। 1989 है इसका ईयर। 1989 NBM नॉन बुक मटेरियल्स। ISBDA एंटीक्वेरियम 1980 का है। फिर है ISBD PM है आपका प्रिंटेड म्यूजिक 1980। ISBD ER है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसका ईयर 1980 है। ISBD कितने डिस्क्रिप्शंस होते हैं इसमें, एट एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, कौन कौन से हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स में 8 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शंस। पहला है टाइटल स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन, मटेरियल, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, स्पेसिफिक एरिया। फिर है आपका पब्लिकेशन, पब्लिकेशन में प्लेस एंड डेट। फिर है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन। 6 पे है आपका
सीरीज़, 7 है आपका नोट्स और 8 है आपका स्टैंडर्ड नंबर। नोट कर लीजिएगा, ISBD 8 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शंस। फर्स्ट है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड एडिशन, थर्ड मटेरियल, फोर्थ पब्लिकेशन प्लेस एंड डेट, फिफ्थ है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, फिर सीरीज, नोट्स, स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ एबिलिटी। क्या क्या एलिमेंट्स हैं ISBD के, बताई दिया, टाइटल, एडिशन, डिटेल में जाता है पूरा, ठीक है। उसका आंसर क्या हुआ आपका, ISBD। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू कैरी आउट वेव सर्च इज कॉल्ड, बताइए। ए सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, बस इंजन, सर्च टेक्निक, रेल इंजन या सर्च इंजन। राइट आंसर है आपका सर्च इंजन। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू फाइंड ए रीडर फॉर एवरी बुक इन ए लाइब्रेरी, बताइए। प्रत्येक बुक लाइब्रेरी में हर एक बुक को सर्च करने के लिए कौन सा सिस्टम होना चाहिए, क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम, बुक प्रोक्योरमेंट, ओपन एक्सेस सिस्टम या डोर डिस्प्ले। राइट आंसर है आपका ओपन एक्सेस सिस्टम। विच क्यूरी लैंग्वेज इज यूज टू एक्सेस RDBMS, बताइए। तो राइट आंसर है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैकफी एंड एवोस्ट। एग्जांपल, किसके एग्जांपल है मैकफी एंड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के, एंटी सिक्योरिटी, लाइब्रेरी वेयर या एंटी वायरस। राइट आंसर है आपका एंटी वायरस इज राइट आंसर, ये एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है। द लाइब्रेरी ऑफ किंग अशुभ रेनीपाल कंटेंट न्यूमरस बुक्स एंड ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड वेयर अरेंजमेंट, किस तरह से इनके द्वारा अरेंजमेंट किया गया लाइब्रेरी में, फॉर्म वाइज, डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज या ऑथर वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज ही अरेंजमेंट हुआ लाइब्रेरी में। नोट करते चलिएगा अपना, ठीक है। आपको कितने 30 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और अपने क्वेश्चंस उसका है वो नोट्स बनाते चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट इन सेविंग द टाइम ऑफ द रीडर, बताइए। सेविंग द टाइम ऑफ द रीडर फोर्थ लॉ से रिलेटेड है, तो लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन, फोर कार्ड गाइड्स, लाइब्रेरी मैनुअल या स्टैक रूम गाइड्स। मैंने अभी आपको इम्प्लीकेशंस बताए हैं इसके, स्टैक रूम इज गाइड राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेंडलाइज्ड एंड अनवांटेड बुक्स इन ए लाइब्रेरी इज कॉल्ड, जो बुक्स अनवांटेड हैं, यूजर्स के द्वारा नहीं पढ़ी गई हैं, कटी फटी हैं, उन्हें लाइब्रेरी से हटाने के लिए क्या प्रोसीजर कहा जाता है, रिमूविंग आउट, डिलीटिंग आउट, वीडिंग आउट या कटिंग आउट। वीडिंग आउट इज राइट आंसर। ए रिवाइवर ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजिटेशन इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजिटेशन, शोध गंगा, शोध जमुना, NDLTD या इन्फ्लिपनेट सेंटर।
इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेसिटेशन कहाँ पे जमा होती है? शोध गंगा में, शोध गंगोत्री में। सिनॉप्सिस सबमिट होता है आपका शोध गंगा में, आपका थीसिस सबमिट होता है। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ इंफ्लिमनेट सेंटर बताइए, यशपाल शर्मा, जेपी सिंह जुरैल, मनोज कुमार के या जगदीश अरोड़ा बताइए। राइट आंसर है जेपी सिंह जुरैल। इंफ्लिमनेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है, तो उसको अच्छे से आप तैयारी कीजिए। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, प्रेमाइसिस कहाँ पे इसका? गांधीनगर गुजरात। स्टार्टेड कब हुआ है ये? मार्च 1991 में। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इंडिपेंडेंट कब हुआ ये? जून 1996 में इंडिपेंडेंट कार्य करना स्टार्ट किया। रिपोर्टिंग टू द, किसको रिपोर्ट किया? यूजीसी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें हम इंफ्लिमनेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लाइब्रेरी ऑन ऑटोमेशन इसका फैक्टर है, इसमें इंडकैट, सॉल 3.0, ई कंसोर्शिया कौन कौन सा है? ई शोध सिंधु, एनलिस्ट है ना, शोध शुद्धि, शोध शुद्धि क्या है? ओपन एक्सेस इनिशिएटिव में शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्र, रिसर्च प्रोजेक्ट डेटाबेस, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, इन्फोपोर्ट। मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं इंफ्लिमनेट के? विद्वान, IRINS, EPG पाठशाला, ई अध्ययन रिलेटेड टू ई बुक्स, UGC मॉक्स ऑनलाइन कोर्सेज से संबंधित है, ई पाठ्य ऑफलाइन एक्सेस, कन्वेंशन कौन कौन से कन्वेंशन हैं? कैलिबर एंड प्लानर। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इसको हम डिटेल में बात करेंगे। राइट आंसर इसका जेपी सिंह जुरैल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से स्टडी कीजिए, कंटिन्यू स्टडी कीजिए। यदि आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। लाइक्स बहुत कम होते हैं, यदि वीडियोस में प्रॉब्लम है तो बताइए, तो हम इसको और ज़्यादा हम इस पर हम काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि ये यूज़फुल नहीं है तो फिर मेरी भी मेहनत है वो वेस्ट है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। यदि आपके लिए यूज़फुल है तो बेस्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें इसके सजेशंस आप दे सकते हैं, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू स्टडी कीजिए, टेक केयर।